कल्याण मंदिर स्तोत्र का 23वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन अब प्रभु की धर्मोपदेशना की महत्ता बता रहे हैं। श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरशीवनवाम्बुवाहम्। हे भगवन, स्वर्ण निर्मित और रत्न जड़ित सिंहासन पर जब आप विराजमान होते हैं और धर्मोपदेशना करते हैं, तब आपका सांवला शरीर ऐसा जान पड़ता है जैसे स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर वर्षाकालीन नवीन काले मेघ गर्जना कर रहे हों, और उन मेघों को जैसे मयूर बड़ी उत्सुकता से देख रहे हों, उसी प्रकार भव्य जीव आपको भी बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। स्वर्ण रत्नमय सिंहासन पर श्याम वर्ण प्रभु जब विराजे, स्वर्ण मेरु पर कृष्ण मेघलख मानो मोर स्वयं ही नाचे। इसी तरह जिन वर सम्मुख आह्लादित होते भविजन हैं, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 24वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु के आभा मंडल को महिमा मंडित कर रहे हैं। उद्गच्छता तव शीत द्युति मंडलेन लुप्त छद छवीर शोक तरुर्बभूव सानिध्य तोपि यदि वा तव वीतराग नीरागतां व्रजति कोन सचेतनोपि। हे नाथ, आपके दिव्य शरीर से ऊपर की ओर निकलने वाली किरणों के नील प्रभा मंडल से अशोक तरु के लाल पत्ते भी अपनी राग रूप लालिमा छोड़ देते हैं। उसी प्रकार हे भगवन, आपके समीप रहने मात्र से कौन ऐसा सचेतन प्राणी है जो राग रहित नहीं हो जाता हो, अर्थात वीतराग बन जाता है। प्रभु के आभा मंडल से जब तरुवर होते कांति विहीन हो जाते हैं, उसी तरह सुदिजन सारे राग विहीन वीतरागता के इस अतिशय से लाभान्वित भविजन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 25वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन अब प्रभु को मोक्ष नगरी के सार्थवा के रूप में अभिनंदित कर रहे हैं। भो भो प्रमादमवधूय भजद्वमेन मागत्य निवृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देवजगत्त्रयाय मन्ने नदन्न विनवसुरदुन्दुभिस्ते। हे मुक्ति सार्थक वाहक, आकाश में
जो देवों के द्वारा आपकी अभिवंदना में नगाड़े बजाए जा रहे हैं। देव दुधुम्बी स्वर गुंजित हो रही है, वो तीनों लोकों के जीवों को सूचित कर रही है कि जो मोक्ष नगरी की यात्रा को जाना चाहते हैं वे प्रमाद छोड़कर भगवान पार्श्वनाथ की सेवा करें। हे प्रभु, देव दुधुम्बी बाजे जब त्रिलोक में बजते हैं, तब असंख्य देवों मनुजों को वे आमंत्रित करते हैं। तज प्रमाद शिवपुर यात्रा करना चाहे तब भविजन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है।